हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ प्रीति फ्रॉम हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एमएस वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और इसके अंदर कुछ बेसिक्स की कमांड्स के बारे में. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आपको दिख रही है कंप्यूटर को, जब जब हम ऑन करते हैं तो उसके सामने जो फ्रंट स्क्रीन जो आती है, इसे हम कौन सी स्क्रीन बोलते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन. क्या स्क्रीन होती है हमारी? ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन. उसके ऊपर ये जो आपको एक एरो दिख रही होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा अभी कर्सर यानी माउस की लोकेशन कहाँ पे है और किस एरिया पे अभी मूव कर रहे हैं. तो हम बात करते हैं कि हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे कैसे. तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट बटन पे. स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया. इसके बाद में आप जाओगे ऑल प्रोग्राम्स पे. ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के नाम से. इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. तो आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से. एक तो ये तरीका होता है एमएस वर्ड को ओपन करने का. दूसरा तरीका आपके पास होता है कि अगर आपको माउस का यूज़ नहीं करना है तो आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो करके. इस बटन के ऊपर एक सिंबल होता है जिसके ऊपर चार बॉक्सेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं विंडो बटन. तो विंडो के साथ में मैंने आर प्रेस किया तो आपके पास ये रन बॉक्स आता है. इस रन बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है? अगर हमें एमएस वर्ड ओपन करना है तो वो उसके लिए क्या लिखें? एक्सेल टाइप करना है तो उसके लिए क्या करें? तो अभी हम एमएस वर्ड ओपन करना है हमने, तो इसके अंदर आप लिखोगे विन वर्ड, WINWORD. विन और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आएगा. ओके करने के लिए आप प्रेस करोगे एंटर. तो आपके पास ये एमएस वर्ड ओपन हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ से? ये जो इसको फुल स्क्रीन पे देखना है एमएस वर्ड को, तो आपके यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे तीन बटन दिख रहे होंगे. तो यहाँ से हम सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी? फुल स्क्रीन में हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज. ठीक है, तो सबसे ऊपर जो बार होती है जिसके अंदर आपको टाइटल दिखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार. उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट बार होती है जिसमें लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार. और उसके अंदर ये जो ऑप्शंस है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे हम टैब्स बोलते हैं. होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब. इसके बाद में ये जो आपके पास पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं रिबन. ये जो आपके पास ओवरऑल एरिया आ रहा है जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, तो ये जो आपका पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं रिबन. अभी तो आपको ये शो हो रहा है, कई बार ये यहाँ से हाइड होता है. तो इसको शो कैसे करेंगे? तो आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक कर दो. राइट क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज द रिबन के नाम से. इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ से वो रिबन क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा. फिर से शो करवाना है, उसी ऑप्शन के ऊपर आप फिर से राइट क्लिक करो, मिनिमाइज द रिबन को अनक्लिक कर दोगे, वो रिबन क्या हो जाएगा? फिर से शो होने लगेगा. कुछ ये तरीका होता है. शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं रिबन को शो और हाइड करने के लिए, Ctrl+F1. तो कंट्रोल के साथ में मैंने F1 प्रेस किया, वहाँ से वो रिबन हाइड हो गया. फिर से शो करवाना है तो कंट्रोल के साथ में फिर से F1 बटन प्रेस करेंगे. Ctrl+F1 ये बटन हम प्रेस करेंगे रिबन को शो और हाइड करने के लिए. कर सकते हैं यहाँ तक. इसके बाद जो सबसे नीचे जो आपको बार दिख रही है जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है, ये ब्लू कलर की जो बार है इसे हम बोलते हैं टास्क बार, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल शो हो रही होती है, जितने भी आप काम कर रहे हो, और वो फाइल शो होती है जो आपने पिन कर रखी होती है, यानी प्रोग्रामिंग सपोर्ट कर रखी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर. फिर उसके ऊपर जो बार है जिसमें लिखा हुआ है Page 1 of 1, Word 0, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं परसेंटेज दिया हुआ है, माइनस और प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो ये जो आपका पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो आपके पेज के बारे में सारी की सारी डिटेल्स देती है, स्टेटस देती है. तो अब यहाँ से आप जैसे जैसे माइनस पे क्लिक करते जाओगे पेज आपका छोटा होता जाएगा, यानी जूम आउट होता जाएगा. जैसे जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो पेज क्या होता जाएगा? आपका जूम इन होता जाएगा, कुछ इस तरीके से.
बटन क्या प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में आपका जो माउस का स्क्रॉल बार है यानी लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में जो बटन आपके पास, उसको जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से जूम आउट होगा। अगर आप इसी स्क्रॉल बार को बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो कुछ इस तरीके से जूम इन होगा। कर सकते हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना जूम कर सकते हैं? 500% कर सकते हैं। कम से कम हम कर सकते हैं 10%। ये देखो 10 हुआ है ना, और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट और नॉर्मल 100%, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर वर्ड्स का समझ में आ गया कि मैं जितने इसके अंदर वर्ड लिखूंगी वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा, ये हमने लैंग्वेज सेट की हुई है। लेकिन यहाँ पे ये पेज वन ऑफ वन दिखा रखा है, दो नंबर दिए हुए हैं, पेज वन ऑफ वन। अगर टोटल नंबर ही काउंट करवाने हमने कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल पेज कितने, तो वो हम एक नंबर से भी तो काउंट करवा सकते हैं ना। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर जो आपका पहला नंबर होता है, यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ पेज टू ऑफ सिक्स, तो यानी जो वो टू जो नंबर है उसका मतलब ये होता है कि आपका कर्सर अभी कौन से पेज पे, सेकंड पेज पे है, ठीक है। और जो पीछे जो नंबर है सपोज सिक्स है, तो उसका मतलब ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके अंदर कुल पेज कितने हैं, 6 है। अब हम ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा कर्सर भी पहले पेज पे है और उसके अंदर टोटल पेज भी कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको किस चीज़ को डिनोट करता है कि आपका कर्सर कौन से पेज पे है, और दूसरा नंबर आपको डिनोट करता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल पेजेस कितने हैं। कर लोगे यहाँ तक? अब हम यहाँ से बात करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बटन यूज होते हैं वो होते हैं ये 3 बटन। फर्स्ट आता है मिनिमाइज, सेकेंड मैक्सिमाइज, थर्ड आता है क्लोज। तो ये जो बीच का जो बटन होता है इसके दो नाम होते हैं, मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन। वो हम पे डिपेंड करते हैं कि कभी ये मैक्सिमाइज का काम करेगा और कभी ये रीस्टोर डाउन का काम करेगा। तो अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि ये जो आपके पास फाइल आई है यानी जो MS वर्ड आया है आपके पास, इसको यहाँ पे अभी शो नहीं होने देना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यानी मिनिमाइज पे बटन क्लिक किया मैंने, हो गया आपकी फाइल मिनिमाइज। फाइल बंद नहीं हुई है, कहाँ चली गई आपकी फाइल, टास्क बार में चली गई है। फिर से इसी पे क्लिक करेंगे वो फाइल क्या हो जाएगी, वापस से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी फाइल हम मिनिमाइज करते हैं वो सारी की सारी जाके कहाँ पे एक्टिवेट होती है, आपकी टास्क बार में। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि मुझे ये विंडो तो देखनी है MS वर्ड की, साथ ही साथ जो आपके पास स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आई थी, कौन सी स्क्रीन आई थी हमारे पास, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन, तो ये स्क्रीन भी देखनी है। दोनों स्क्रीन हम एक साथ कैसे देख सकते हैं? अब दिमाग में एक आंसर बनता है कि अगर मैं इस फाइल के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूं MS वर्ड को, तो मेरे को वो दूसरी फाइल भी दिख जाएगी। तो जब आप इसके विंडो के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हो तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं रीस्टोर डाउन, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे, बीच वाले बटन पे, वो फाइल होगी रीस्टोर डाउन मोड में। फिर से इसको फुल स्क्रीन पे ही देखना है तो इसी बटन के ऊपर आप क्लिक कर दो, और फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, ना ही तो मिनिमाइज करना है ना ही मैक्सिमाइज करना है, मुझे ये फाइल ही बंद करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोज के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो फाइल क्या हो जाएगी, वहाँ से बंद हो जाएगी। नो पे क्लिक करेंगे, हो गई वो फाइल बंद, ना ही आपके पास यहाँ टास्क बार में है ना ही आपके पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन पे है। कर लोगे भाई यहाँ तक? स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, फिर से ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे, कुछ इस तरीके से। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये रिबन है, स्टेटस बार, टास्क बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। अब बात करते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शंस मुझे यूज़ करके देखने कि ये काम कैसे करेंगे, चेक तो करेंगे ना इन सारे ऑप्शंस को। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कोई ना कोई डाटा चाहिए आपको जिस पे आप ये सारे के सारे ऑप्शन अप्लाई करोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया हुआ है, अपने यूज़र्स के लिए इसमें पहले से ही एक पैराग्राफ प्री इंस्टॉल करके दिया हुआ है। तो अब उस पैराग्राफ को लेके आने के लिए भी कोई कमांड होती होगी, तो उस पैराग्राफ को लेके आने की कमांड क्या होती है, आप यहाँ पे बटन प्रेस करोगे इज इक्वल टू RAND। अब ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट बंद करनी है, तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करी, ब्रैकेट बंद। अब ओके करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो
तो आपके पास ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा, कर सकते हो। अब अगर आपको ये सारा का सारा डेटा एक ही बारी में सिलेक्ट करना है, सपोज़ आप एक 500 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, 500 के 500 पेज एक ही बारी में सिलेक्ट हो जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, हो गया सारा का सारा डेटा सिलेक्ट। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है आप माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हो, ये कर्सर रखा, देन इसको हम ट्रैक करेंगे कुछ इस तरीके से, कर लोगे। कंडीशन अब ये देने कि मुझे ये एक वर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे ईजिली है, कैन है, यू है, लुक है, एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर मैं माउस की हेल्प से करती हूँ तो ये देखो नेक्स्ट वर्ड भी गलती से सिलेक्ट हो रहा है, यही हो रहा है। तो किसी भी वर्ड को अगर आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप माउस की डबल क्लिक प्रेस कर दो, लेफ्ट क्लिक डबल प्रेस किया वो वर्ड सिलेक्ट हो गया। किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आप दो बार क्लिक करोगे तो वर्ड सिलेक्ट होगा, अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर तीन बार क्लिक करते हो लगातार तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, किसी भी वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो, वर्ड सिलेक्ट होगा, और तीन बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब एमएस वर्ड में आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में आप जितने एरिया को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जो भी कमांड दोगे वो किसके ऊपर अप्लाई करेगी, सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर ही अप्लाई करेगी। अब मुझे यहाँ से पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मैं कितनी बार क्लिक करूँगी, तीन बार क्लिक किया हमने, तीन बार हो गया ये सिलेक्ट। इसके बाद में अब ये जिस तरीके से लिखे हुए आ रहे हैं ना, वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहे, पसंद नहीं आ रहे, तो मुझे इसका फेस चेंज करना है। फॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कैलिबरी लिखा हुआ मिल रहा है, इसके साइड में एक ड्रॉप डाउन आइकन है, इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ से जाके आप वो फॉन्ट का फेस चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अप्लाई करना है। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ देखो सिर्फ उतने ही एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कुछ इस तरीके से, कर सकते हो। तो टोटल कितने फॉन्ट फेस होते हैं आपके पास, 313 होते हैं, लेकिन नई नई स्क्रिप्ट बनती रहती है तो फॉन्ट की स्टाइल स्क्रिप्ट भी चेंज होती रहती है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं, कर लोगे। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सारे के सारे कौन से फॉन्ट फेस में बनते हैं, एरियल और कैलिबरी में, ठीक है। अब फॉन्ट का साइज बड़ा करना, यानी ये फॉन्ट का जो टेक्स्ट लिखा जो हुआ है वो थोड़े छोटे वर्ड में है, थोड़े से ज़्यादा बड़ा करना है, तो यहाँ ये 10 लिखा हुआ है, 10 के साइड में ये आइकन है, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से जाके आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब इसमें 15 नहीं है, मैंने बोल दिया कि मुझे तो 15 का ही फॉन्ट का साइज चाहिए, तो आप क्या करोगे, 10 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ लिखो 1515, देन एंटर, हो गया फॉन्ट का साइज 15 का। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉन्ट के साइज को चेंज करेंगे। शॉर्टकट की आप क्या प्रेस करोगे, अगर आपको यहाँ से फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट के साथ में ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, और ये जो लेस देन का सिंबल होगा उसका काम होगा फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने का, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मेरे को एक एक फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ में आप ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो आपका फॉन्ट का साइज क्या होगा, एक एक नंबर बड़ा होगा, इंक्रीजिंग द 1 point फॉन्ट साइज, और जब आप इसी बटन को, यानी जब आप ये ब्रैकेट प्रेस करोगे तो आपका एक एक फॉन्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं, 1638, कम से कम कर सकते हैं हम 1, और बाय डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल जो होता है फॉन्ट का साइज़ वो होता है आपका 11 और 12। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें फॉन्ट का साइज़ क्या चलता है आपका, 11 का और 12 का, कर लोगे भाई यहाँ तक। अब मैंने इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया,
यहाँ से जब आप बी पे क्लिक करोगे टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर आपको यही पैराग्राफ को थोड़े से वर्ड हल्के से टेढ़े करने हैं तो आप आई पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट इटैलिक होगा। अगर आप यू पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के नीचे क्या आएगी, कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। मैं चाहती हूँ कि डबल अंडर लाइन आनी चाहिए, डॉटेड आनी चाहिए, डैश वाली आनी चाहिए, तो क्या करेंगे, यू के साइड में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन है, इस पे क्लिक करो। डबल लाइन चाहिए डबल पे क्लिक करोगे, थिक चाहिए थिक पे क्लिक करो, डॉटेड डैश जो भी लाइन का स्टाइल चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करो, वही फॉन्ट वही लाइन क्या हो जाएगी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे लाइन का कलर क्या चल रहा है, ब्लैक चल रहा है। मैं चाहती हूँ अंडरलाइन का कलर जो आना चाहिए वो ग्रीन आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो हम यू के साइड में यहाँ पे एक आइकन इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन कलर के नाम से, क्लिक किया हमने, यहाँ से जाके आप वो अंडरलाइन का कलर चूज कर लो। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ लाइन अब कैसे आई है, टेक्स्ट के नीचे आई है, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट के ऊपर आनी चाहिए लाइन, तो आप ए बी सी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे और टेक्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी, कर सकते हो। आप रिबन के अंदर नोटिस करो जो भी ऑप्शन आपको येलो दिख रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि वो कमांड क्या है अभी एक्टिवेट है, उसका अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कमांड क्या करनी है, हटानी है उसी सिलेक्टेड एरिया पे से, सिलेक्ट किया उसी बटन के ऊपर फिर से क्लिक कर दो, स्ट्राइक थ्रो हट गया, यू पे क्लिक किया अंडरलाइन हट गई, आई पे क्लिक किया इटैलिक हट गया, और बी पे क्लिक किया तो बोल्ड हट गया। तो ऐसा कोई भी बटन हो जिस पे क्लिक करें तो अप्लाई हो जाए, फिर से उसी पे क्लिक करें तो रिमूव हो जाए, वो हमारे बटन कहलाते हैं टॉगल बटन, ठीक है। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस में आई करेंगे इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस में यू करेंगे अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे डबल अंडरलाइन के लिए। अब यहाँ देखो जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर भी लाइन आ रही है ना, मैं चाहती हूँ सिर्फ जहाँ जहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हुए वहीं पर ही लाइन आनी चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करोगे तो हर वर्ड के नीचे क्या आएगी, कुछ इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक है। अब मुझे फिर से यही लाइन हटानी है, यानी ये सारी कमांड हटानी है, तो लाइन के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू किया, यही बटन वापस प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू लाइन हट गई, कंट्रोल आई किया इटैलिक हट गया, और कंट्रोल प्लस में बी किया तो बोल्ड भी हट गया वहां से, कर लोगे यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2O, सभी को पता है केमिकल रिएक्शन होता है वाटर का, तो यहाँ पे ये जो आपका टू है वो कभी भी इस तरीके से नहीं होता है, वो हमेशा बेस में होता है, यानी नीचे होता है बेस लाइन से। तो जब आपको किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है, तब हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। तो अभी हमें किसको बनाना है, टू को बनाना है, तो मैंने टू को क्या किया, सिलेक्ट किया माउस की हेल्प से, यहाँ से आप इस पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे वो बेस बन गया। ऐसे अब आप इसको पावर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करोगे सुपरस्क्रिप्ट पे, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। क्या करेंगे, अगर आपको इस डेटा को बेस में बनाना है तो सबस्क्रिप्ट पे, अगर आपको इसको पावर बनाना है तब आप किस पे क्लिक करोगे, सुपरस्क्रिप्ट पे, कर सकते हो। बटन क्या प्रेस करेंगे, पहले तो इसको नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, इसी बटन के ऊपर क्लिक कर दो, टेक्स्ट हो गया फिर से नॉर्मल। बटन आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस में इक्वल सबस्क्रिप्ट के लिए, यानी जब आपको किसी भी डेटा को बेस बनाना होता है, जब आपको किसी भी डेटा को पावर बनाना है, तब आप क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। आपको प्लस दो बार नहीं लगाना है, ये बटन प्लस इसलिए लगा है ताकि आप क्या करो, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में प्लस प्रेस करो। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं बेस और पावर बनाने के लिए, सिलेक्ट किया मैंने, इस पे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल के साथ में इक्वल किया ये बेस बन गया, पावर बनाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये पावर बन जाएगा, फिर से पहले की तरह करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने फिर से प्रेस कर दिया, कर लोगे यहाँ तक। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये आपके पास एक पैराग्राफ है,
ठीक है। अब इसके अंदर टोटल लाइन कितनी है काउंट करते हैं, जहाँ पे डॉट होती है वो आपकी एक लाइन है। तो डॉक्यूमेंट पे वन लाइन, सेकंड लाइन ब्लॉक्स पे, थर्ड है लुक पे। तो आपके पास इसे एक पैराग्राफ में करीब तीन लाइन है। तीनों लाइन का पहला वर्ड क्या है? ऑन, यू और वेन। और तीनों वर्ड के अंदर पहले लेटर क्या है, यानी पहला करेक्टर क्या है? कैपिटल है। ऑन का ओ कैपिटल है, यू का वाई कैपिटल है और वेन का डब्ल्यू भी कैपिटल है। तो ये कौन सा केस होता है? आपका सेंटेंस केस होता है कि मैं कोई भी लाइन लिखूं, उस लाइन का पहला लेटर क्या हो जाए? कैपिटल हो जाए, जब तक मैं डॉट ना लगाऊं, जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं नोटबुक्स में। कंडीशन में ये देते हैं, या तो ये सारा ही डाटा स्मॉल होना चाहिए या फिर सारा ही डाटा कैपिटल होना चाहिए। तो आप जाओगे यहाँ पे डबल ए लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं चेंज केस। क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट जो केस होता है वो आता है आपका सेंटेंस केस। लोअर केस पे क्लिक किया, हो गया स्मॉल में। ऑन का ओ भी स्मॉल, यू का वाई भी स्मॉल और वेन का डब्ल्यू भी स्मॉल। फिर से कैपिटल करना है, चेंज केस, अपर केस पे क्लिक कर दिया, सारे कैपिटल हो गए फिर से। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे ऑन का ओ, दा का टी। तो चेंज केस पे जाके आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कुछ इस तरीके से कैपिटल हो जाएगा। कर लोगे? अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि जो लेटर कैपिटल है वो तो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए, यानी उल्टा करना है। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे टोगल पे, जैसे ही आप टोगल केस पे क्लिक करोगे वो सारा का सारा डेटा कुछ इस तरीके से रिवर्स होगा। फिर से पहले की तरह करना है, चेंज केस पे जाके सेंटेंस केस के ऊपर आप क्लिक करोगे। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे हम? शिफ्ट के साथ में F3 बटन प्रेस करो। आप क्या कर सकते हो, चेंज केस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसके अंदर, सिर्फ तीन ही कमांड चलेंगे आपका। पहला तो चलेगा सेंटेंस केस, दूसरा चलेगा लोअर केस और तीसरा चलेगा अपर केस। अगर आपको लास्ट के दो ऑप्शन भी यूज़ करके देखने हैं तो उसके लिए आपको उसी ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस के लिए। ठीक है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप करती हूँ तो फॉन्ट का कलर क्या चल रहा है? ब्लैक चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि फॉन्ट का कलर ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, येलो हो जाए, तो वो कैसे होगा? एरिया सिलेक्ट करेंगे जितने का आपको चेंज करना है। फिर यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन, इस पर क्लिक किया हमने। इस पर जाके आप वो फॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप करोगे तो फॉन्ट का कलर क्या चलेगा? आपका रेड चलेगा। अब आप सबने हाइलाइटिंग का यूज़ तो किया ही हुआ है कि हाइलाइटिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी डेटा को अगर आपको स्पेशली उसको नोट करवाना है, यानी उसको अट्रैक्टिव दिखाना है, ताकि जब भी मेरे को रिवीजन वगैरह करनी पड़े तो मैं इजीली उसको क्विक रिव्यू कर सकूं, तो वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। एरिया सिलेक्ट करो जितने को आपको हाईलाइट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये टेक्स्ट हाईलाइटर का, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ पे जाके आप वो कलर चूज़ कर लो जो भी आपको हाईलाइट करना है, यानी हाईलाइटर के टाइम पे शो करवाना है। लेकिन कलर हमेशा ऐसा ही रखना कि नीचे यानी फॉन्ट कलर भी तुम्हें शो होता रहे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से हमने डेटा क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। कर सकते हो? अब हमने यहाँ पे क्या क्या कमांड लगाई हुई है? एक तो फॉन्ट का साइज़ बढ़ाया हुआ है, फॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ और हाईलाइटिंग की हुई है। मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर लेती हूँ। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, होगी तीनों। अब कंडीशन ये देनी है कि मैंने अभी जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है सारी की सारी हट जाए एक ही बारी में, डाटा नहीं जाए, सिर्फ फॉर्मेटिंग हट जाए, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, तो वो कैसे होगा? सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग के नाम से, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी वहाँ से। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे फॉर्मेटिंग हटाने के लिए? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। तो आप यहाँ पे नोट कर लो, कंट्रोल के साथ में आप जब स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी आपकी? क्लियर हो जाएगी, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग। अब आधे ये सोच रहे होंगे कि सारी की सारी फॉर्मेटिंग तो हट गई लेकिन ये हाईलाइटिंग नहीं गई। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी कमांड करवाई है उसमें से सिर्फ दो ही ऐसे ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग के अंडर नहीं आते हैं, वो होते हैं आपके पास चेंज केस और हाईलाइटिंग। अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस को हटाना है
तब आप इन्हीं ऑप्शंस पे जाके इसको हटा सकते हो। अगर आपको पहले की तरह केस करना है तो सिलेक्ट करो, चेंज केस पे जाके सेंटेंस केस पे क्लिक कर दोगे, टेक्स्ट हो जाएगा नॉर्मल। हाईलाइटिंग हटानी है, सिलेक्ट किया, हाईलाइटिंग पे गए, यहाँ से जाके आप क्लिक करोगे नो कलर पे, तो वहाँ से वो नो कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कर लोगे भी यहाँ तक। अब हम थोड़ी सी कॉपी पेस्ट के बारे में देखते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल प्लस ए करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, इसके बाद क्या बटन प्रेस करेंगे, डिलीट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज हेलो वर्ल्ड, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाया। अब मुझे एज इट इज वर्ड, यानी ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने, एज इट इज एक और चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, लिखना नहीं है आपको तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, कर्सर रखा जहाँ पे आपको पेस्ट करवाना है, देन आप करोगे कंट्रोल प्लस में वी, हो गया पेस्ट। क्या करना है, सबसे पहले एरिया सिलेक्ट करना है, कॉपी करने के लिए आप कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर कर्सर रखेंगे जहाँ पे आपको पेस्ट करवाना है, देन आप क्लिक कर देंगे पेस्ट पे, हो गया वहाँ पे वो पेस्ट। अब मान लो मैंने गलती से पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये जो दो हेलो वर्ल्ड है वो गलती से पेस्ट हो गया, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस में एक्स से कर दिया कट, हो गया कट, गलती से कट हो गया, मेरे से वापस लेके आना है, यानी जो इतना जितना भी काम आपने अभी किया उतना ही आपको पीछे भी जाना है। तब आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में जेड करोगे अंडू करने के लिए, आ गया फिर से, गलती से मैंने सपोज एक दो बार और अंडू कर दिया, ये सारा ही चला गया। अब जितना काम मैं पीछे ले गई हूँ, यानी जितना काम मैंने अंडू कर दिया उतना ही काम आपको वापस लेके आना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में वाई करेंगे रीडू करने के लिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, रीडू की कमांड सिर्फ तभी चलेगी जब आपने किसी डाटा को क्या कर रखा होगा, अंडू कर रखा होगा, कर सकते हो। तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस में सी करेंगे कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस में वी किसके लिए प्रेस करेंगे हम, पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए हम करेंगे कट के लिए, कंट्रोल प्लस में जेड करेंगे अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस में वाई करेंगे हम रीडू के लिए। कर लोगे यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस वर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसी वर्ड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बी पे क्लिक करके बोल्ड किया, आई पे क्लिक करके इटैलिक, और यू पे क्लिक करके अंडरलाइन, और यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, क्या हमने इतना काम, और यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज भी बढ़ाया हुआ है। कंडीशन ये देनी है कि डाटा एज इट इज़ नहीं चाहिए मुझे, ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, वही एज इट इज़ फॉर्मेटिंग मेरे को कट कॉपी पेस्ट पे भी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, डाटा नहीं चाहिए सिर्फ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग चाहिए, तो फॉर्मेटिंग वाले एरिया को आप सिलेक्ट कर लो, कर लिया मैंने। इसके बाद आप जाओगे फॉर्मेट पेंटर पे, क्लिक किया, ये ब्रश आ गया आपके पास, उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो जितने के ऊपर आपको अप्लाई करना है, आगे वही फॉर्मेटिंग। अब तुम बताओ मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है रीडू के ऊपर, वही फॉर्मेटिंग मेरे को कॉपी पेस्ट कट के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, ब्रश आ गया, इसको सिलेक्ट कर लो, कर सकते हो। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए ना, सिर्फ उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, वही फॉर्मेटिंग आपकी दूसरे वाले एरिया के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। कर लोगे यहाँ तक, कंट्रोल ए और डिलीट कर दिया। यहाँ पे कमांड लगाई मैंने इज इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब आपका ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, अब हमें एज इट इज़ पैराग्राफ और चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कर लेंगे इजीली। अगर मान लो आपके पास एक 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, उस 500 पेज में आपने यही एक पैराग्राफ कम से कम 10 से 15 जगह कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है,
कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, लेकिन बाद में हमें ध्यान आता है कि इसमें से ये जो लाइन है ना व्हेन यू क्रिएट पिक्चर्स वाली, ये तो हमें कहीं पर भी नहीं चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूं कि जहां जहां मैंने कॉपी पेस्ट किया वो वहां से भी कट हो जाए? तो अब तुम बोलोगे कि वहां ढूंढेंगे उसको, फिर उसको कट करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दो जगह पे रह भी जाएगा, क्योंकि मैंने 500 पेज का डॉक्यूमेंट है और 10 से 15 जगह कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो मैं अब कमांड ये देती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करूँ, ऑटोमेटिकली सारी जगह भी चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप नॉर्मल पेस्ट नहीं करोगे, पेस्ट स्पेशल करोगे। एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस में सी से कॉपी किया, हो गया कॉपी। इसके बाद में कर्सर रखो जहाँ पे आपको पेस्ट करवाना है, फिर आप बटन प्रेस करोगे पेस्ट स्पेशल के लिए, कंट्रोल ऑल्ट बटन यानी ALT ऑल्ट प्लस में V, तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस में ऑल्ट प्लस में V, ये आपके पास पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट लिंक का, इस पर क्लिक किया, ओके किया, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो एज इट इज़ पैराग्राफ आ जाएगा, आ गया पैराग्राफ। अब मैंने कॉपी कहाँ से किया था, डाटा ऊपर से किया था ना, अब इसमें मैं ये लाइन कट करके देखती हूँ, देखते ये जाता है नहीं जाता। पेस्ट नहीं होंगे ढंग से, फॉर्मेटिंग करके देखते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया, ये देखो हो गया इजीली। अब इसको बैक स्पेस करके देखते हैं, शायद डिलीट की कमांड नहीं उठा रहा ये, तो बैक स्पेस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा इसके ऊपर, ये इजीली फिर इसको अप्लाई कर देगा, हो गया वहाँ से बिल्डिंग का। फिर से मैंने इसको हटाया यहाँ से, ये देखो यहाँ से भी हट गया ऑटोमेटिकली। तो थोड़ा सा टाइम इसको चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या करता जाएगा, जहाँ से आपने कॉपी किया था उसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ पे आपने पेस्ट किया हुआ है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस क्या होते रहेंगे, अप्लाई होते रहेंगे। कर लोगे यहाँ तक? अब मुझे एक नई विंडो ओपन करनी है, नई फाइल ओपन करनी है, नई विंडो, तो उसके लिए आप बटन प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस में एन, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे नई विंडो के लिए, तो आपके पास ये नई विंडो आ गई है। अब इसके अंदर मैं कमांड लगाती हूँ इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंड, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए तो क्या बटन प्रेस करेंगे? सिलेक्ट किया, बटन प्रेस क्या करेंगे कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस में X, हो गया कट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ और काम करना था तो मैंने यहाँ पे काम भी कर लिया, यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सिलेक्ट किया, कंट्रोल V I, कंट्रोल शिफ्ट D, फॉन्ट का साइज़ बड़ा किया और शिफ्ट F3 से इसका केस चेंज कर दिया, और यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, इतना काम किया हमने। अब मेरे को बाद में ध्यान आता है कि जो पैराग्राफ मैंने कट कर दिया ना वो मेरे को वापस चाहिए, तब क्या प्रेस करें? कंट्रोल Z हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल Z करूँगी तो ये सारा डाटा भी हमारा पीछे जाएगा, तभी तो वो पैराग्राफ आएगा। तो अब हम क्या करें? तो जितना भी डाटा आप कट कॉपी और पेस्ट करते हो वो सारा का सारा आपका कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में, ठीक है। आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा होगा, क्लिपबोर्ड के साइड में यहाँ पे आइकन है, इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ ये देखो मैंने ये पैराग्राफ कट किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो दिख रहा है हमें। तो जहाँ पर भी आपको पेस्ट करवाना है वहाँ पे कर्सर रखो, मुझे यहाँ करवाना है, देन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो पैराग्राफ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करवाना है या यहाँ पे करवाना है, क्लिक करो, फिर से आ गया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि जब मैं किसी पैराग्राफ को कट करते वो यहीं जाता है या कहीं और जाता है। क्लिक किया मैंने इस पैराग्राफ पे, ट्रिपल क्लिक, कंट्रोल X से कर दिया कट, चला गया ना वहाँ पे वो टू चेंज वाला। फिर से लेके आना है, कर्सर रखो और उसके ऊपर क्लिक कर दो, कर लोगे ना यहाँ तक। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप क्लिपबोर्ड के अंदर से किसी भी एक डाटा को कितनी बार तक कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो? 24 बार तक। कितनी बार तक कट कॉपी पेस्ट करेंगे?
24 बार, यहाँ दिख रहा है सभी को 24 टाइम्स, ठीक है। नोट कर लेना सभी कि हम किसी भी एक डेटा को कितनी बार तक रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड से 24 टाइम्स। कर लोगे भाई यहाँ तक? अब यहाँ देखना, मैंने इस पैराग्राफ इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से मुझे अलाइनमेंट देनी है, यानी अभी ये आपका डाटा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर में चला गया। राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक करो, ये राइट में चला जाएगा। फिर से लेफ्ट में लेके आना, लेफ्ट पे क्लिक किया मैंने। ऐसे इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट किया। अगर यही पैराग्राफ आपको सेंटर पॉइंट में चाहिए, क्लिक किया, सेंटर में आ गया पैराग्राफ। लेफ्ट से अलाइन करना है तो लेफ्ट पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ लेफ्ट साइड से बराबर हो गया। ऐसे ही आपको राइट साइड से बराबर करना है तो आप राइट पे क्लिक करोगे, यहाँ राइट साइड से बराबर हो गया। फिर से लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ तो ये दिक्कत हो रही है, अगर मैं लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से ही बराबर हो रहा है, राइट साइड से नहीं हो रहा। अगर मैं राइट पे क्लिक करती हूँ तो ये राइट साइड से बराबर हो रहा है, लेफ्ट साइड से नहीं हो रहा। तो क्या कमांड प्रेस करूँ कि लेफ्ट साइड से बराबर हो जाए और राइट से भी? तो आप बटन प्रेस करोगे जस्टिफाई का, क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा और आपका राइट साइड से भी, ठीक है। अब हम बटन क्या प्रेस करेंगे, तो आप शॉर्टकट की प्रेस करो, कंट्रोल प्लस में ई करेंगे सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस में एल करेंगे लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस में आर करेंगे राइट के लिए, कंट्रोल प्लस में जे करेंगे जस्टिफाई के लिए, ठीक है। अब आपके पास एक और स्पेशल कमांड होती है, उसका ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ वो शॉर्टकट की ही है, बहुत यूज़ होती है। अब यहाँ देखो, ये एक पैराग्राफ में लुक है, या ये सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्टली, ये दो ही ऐसे वर्ड है जो कॉर्नर में आके इस पूरे पैराग्राफ को मिक्स कर रहे हैं, यही हो रहा है। मैं चाहती हूँ पूरा का पूरा आपका एक पैराग्राफ ही लगे ये, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे जस्टिफाई के लिए, यानी फोर्स जस्टिफाई, हो गया पूरा का पूरा एक पैराग्राफ। फिर से पहले की तरह करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे फिर से प्रेस कर देंगे। क्या करना, अगर आपको इसको एक ही पैराग्राफ बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे करोगे फोर्स जस्टिफाई हो जाएगा। फिर से पहले की तरह करना है, इसी के ऊपर क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट जे पे, कुछ इस तरीके से आपका डाटा पहले की तरह अप्लाई होगा। कर सकते हो यहाँ तक? अब आपके पास ये कुछ लाइन्स है, इन लाइनों के बीच में आपको स्पेसिंग को ऐड करना है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग पे गए, यहाँ से 1.15 में इतनी स्पेसिंग आ गई हर एक लाइन के बीच में, 1.5 में इतनी, 2.0, 2.5 और 3.0, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। कंट्रोल प्लस में 1 करेंगे 1.0 के लिए, कंट्रोल 2 करेंगे 2.0 के लिए, और कंट्रोल प्लस में 5 करेंगे हम 1.5 के लिए। जो आपकी लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस में 5, यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। नोट कर लेना सभी, कंट्रोल प्लस 1 1.0 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस में 2 2.0 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस में 5 1.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। मैं इसको यहाँ से 1.15 कर देते हैं, एक बार ज़ीरो ही करते हैं। अब आपके पास ये पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस देना है, तो वो आप कैसे दोगे? सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर कर सकते हो, यानी हर एक पैराग्राफ के ऊपर स्पेस चाहिए तो आप ऐड स्पेस बिफोर करोगे, अगर हर एक पैराग्राफ के बाद में आपको स्पेस चाहिए तो ऐड स्पेस आफ्टर करोगे। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐड स्पेस आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, अगर बिफोर करते हैं तो क्या होता है, तब भी कुछ इसी तरीके से आ रहा है। तो आप इसके अंदर से दोनों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, कर लोगे। कंडीशन ये देनी है कि जितने एरिया पे मैंने काम किया हुआ उतने एरिया पे कोई कलर चाहिए, सिलेक्ट किया, शेडिंग ऑप्शन पे गए, यहाँ से जाके आप वो कलर चूज़ कर लो जो भी आपको अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप जैसे जैसे काम करते रहोगे ऑटोमेटिकली ये कलर भी क्या चलता रहेगा, शेडिंग का अप्लाई होता रहेगा, जैसे जैसे आप डाटा कट करोगे वहाँ से वो कलर भी हटता जाएगा, ठीक है। फिर से इस पे कलर हटाना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया, शेडिंग ऑप्शन पे जाके यहाँ से क्लिक कर दो आप नो कलर पे, वहाँ से वो कलर रिमूव हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि इसके आउटसाइड में एक बॉर्डर लगे, यानी एक बॉक्स बन के आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे गए, सिलेक्टेड एरिया के नीचे बॉर्डर चाहिए तो बॉटम पे क्लिक किया, बॉटम में आ गया बॉर्डर।
ऐसे ही अब आपको ऊपर भी चाहिए तो टॉप पे क्लिक किया तो टॉप में बॉर्डर आ गया, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में आएगा, राइट में चाहिए तो आप क्लिक करोगे राइट पे तो राइट में बॉर्डर आएगा, कुछ इस तरीके से। बॉर्डर हटाना है तो क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाके आप क्लिक कर दो नो बॉर्डर पे, कुछ इस तरीके से। अब मैंने बॉर्डर कैसे लगाया, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके से लगाया ना, कंडीशन ये देनी है कि बॉर्डर तो लगाना है ठीक है, लेकिन एक ही कमांड में लगना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ से आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आउटसाइड बॉर्डर पे, कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि आउटसाइड के साथ साथ इसके अंदर भी लगना चाहिए, यानी जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी लगना चाहिए, तो आप क्लिक कर दोगे ऑल बॉर्डर्स पे, तो आउटसाइड के साथ साथ में इनसाइड भी क्या लगेगा, बॉर्डर लगेगा, कर सकते हो। फिर से हटाना है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप क्लिक करोगे नो बॉर्डर पे, हो जाएगा यहाँ तक। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक।